करिया जब अभ्रता जी मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी जिला सरकार में मंत्री श्री जीतू भाई बागनी जी और नरेश पटेल जी अहमदाबाद शहर के मेयर श्री करीब भाई परमार जी गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर हिमांशु पांड्या जी अतिथिगण देवियों और सज्जन सभी को बहुत बहुत नमस्कार शुभकामनाएं। गुजरात के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। गांधी जी और सरदार पटेल के सपनों के अनुसार वर्ष 1949 में स्थापित ये विश्वविद्यालय अनेक मानों के पर और पूरे देश में अग्रणी स्थान रखता है। गुजरात विश्वविद्यालय के लिए एक गर्व की बात है कि न केवल भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रह चुके। डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक जिस संस्थान के छात्र रह चुके हैं इसका विज्ञान अनुसंधान एवं इनोवेशन में अग्रणी रहना स्वाभाविक है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञान हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं स्टार्टअप सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेशन इनोवेटिव से जुड़े हुए ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हार्ट स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे विश्वास है महिला उद्यमियों के इनोवेशन और स्टार्टअप के प्रयासों को बढ़ावा देने में ये प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ये प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी और प्राइवेट उपक्रमों से जोड़ने का एक प्रभावी मंच भी साबित होगा। आप सबको ज्ञात होगा कि हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 81st से 14th स्थान पर पहुंच गए। इस संदर्भ में शिक्षा विशेषकर बालिका और जनजातीय शिक्षा से जुड़े सोनिक स्कूल गर्ल्स लिटरेचर रेजिडेंशियल स्कूल और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जैसे परियोजनाओं का उद्घाटन करके मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। क्योंकि विज्ञान अनुसंधान और इनोवेशन में भारत की स्थिति को और मजबूत बनाने की आधारशिला स्कूली शिक्षा द्वारा ही निर्मित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत भी भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गुजरात में अन्य क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। पिछले 2 दशकों में राज्य में स्कूल ड्रॉप आउट की दर 22% से घटकर 1.37% हो गई है। शिक्षक छात्र रेशियो में भी 40 से सुधार कर 26% पहुंच गया है। आज विद्या समीक्षा केंद्र में इसके माध्यम से करीब 55,000 स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है जिससे छात्र का लर्निंग आउटकम में बढ़ोतरी देखी रही है। मुझे
ये भी बताया गया है कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के तहत अगले 5 वर्षों में राज्य के करीब 20,000 स्कूलों को आधारभूत संरचना को अपग्रेड करने के लक्ष्य रखा गया है। गुजरात ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति की गई। यहाँ 2001-2 में राज्य में कॉलेजेस की संख्या 775 थी, वो 2021 में ये संख्या 3,600 से भी अधिक हो गई। उच्च शिक्षा के मूल्य को लेकर लिए भारत का पहला एजुकेशन क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग सेल गरिमा सेल इसी राज्य में स्थापित किया गया। इसी तरह बन बंधु कल्याण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन से जनजातीय समाज में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, साथ ही स्कूल ड्रॉप आउट दर में भी कमी आई है। गुजरात सरकार गुजरात गौरव अभियान के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं पर कार्य कर रही है। देखिए और सुजनों, कल भी मैंने राज्य में स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और यातायात से संबंधित अनेक योजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण भी मैंने किया। मुझे विश्वास है कि ये सारी परियोजनाएं राज्य के विकास और अधिक गति देने वाले योजनाएं हैं और यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को सुधारने और सहायक सिद्ध आगे जाकर जरूर होगी। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही होती है कि गुजरात विकास के कई मानकों पर पिछले 2 दशकों में अग्रणी राज्य रहा। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के समावेशी विकास में गुजरात ने कई मानक प्रस्तुत किया है। देवी और सुजन, इस राज्य के विकास का अपना मॉडल होता है, ये हर राज्य में अपना अपना मॉडल होता है जो राज्य के संसाधनों और जरूरतों में निर्धारित होता है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से पिछले 2 दशकों में सर्वांगीण प्रगति की है, उसने अन्य राज्यों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट का रास्ता दिखाया है। अगर सारी राज्य एक दूसरे से सीखते हुए और उनके सफल मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश अमृतकाल के दौरान एक विकसित देश के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ ही आप सबको मैं दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय जय गौरवी गुजरात, जय भारत।